जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर हमजा निसार, सबसे पहले आपको बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी कामयाबी अता की है, और ये जो कामयाबी है ना, ये मेडिकल की लाइफ में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। पाकिस्तान में जो सबसे टॉप की मेडिकल फील्ड में डिग्री है वो FCPS पार्ट वन नहीं है, और हर एक स्टूडेंट का जो MBBS करता है उसका एक ख्वाब होता है कि वो FCPS पार्ट वन करे, उसकी ख्वाहिश होती है। विदाउट FCPS पार्ट वन की ये एक डिप्रेशन ही होता है मेडिकल फील्ड में। तो अल्लाह ताला ने आपको ये नहीं कि आपको कंसल्टेंट बना दिया, बस आप कंसल्टेंट के रस्ते पे चल पड़े। तो सर ये आपका बड़ापन है, सर आपका बड़ापन है सर। हेलो, अब आप हमें बताइएगा कि आप किस कहां से ग्रेजुएट हैं और आपने आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, आप हमें क्या बताना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम हमजा निसार है। मैंने सर 2019 में इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद सर मैंने 2020 में हाउस जॉब की अपनी फ्रॉम बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी। और उसके बाद सर मैं FCPS की मैंने प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन असल में बीच में ये हुआ था कि मेरे भाई की शादी आ गई थी, तो उसकी वजह से मेरा गैप आ गया था बीच में। लेकिन ये हुआ था कि मैंने जून वाली अटेम्प्ट जो थी वो स्किप नहीं की थी, क्योंकि सारे कह रहे थे कि आप जो है वो अटेम्प्ट ना स्किप करें, लेकिन मैंने अटेम्प्ट दे दी थी। तो उसके बाद सर ये हुआ था कि मेरी जो जून वाली अटेम्प्ट थी वो, क्योंकि मैंने शॉर्ट बुक्स वगैरह पढ़ी हुई थी, मतलब जिसको हम अपने अल्फाज में वो जुगाड़ू स्टडी कहते हैं, वो की हुई थी, कोई कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने वो अटेम्प्ट मेरी 72% पे फेल हो गई थी। तो उसके बाद ये हुआ था कि पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया था, ये क्या हुआ था, मैंने सर वैसी रैंडमली मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो वो फिर आपका मुझे पेज नजर आया, मैंने कहा ये क्या है। तो वो मुझे काफी फैसिनेटिंग चीज लगी थी, खासतौर पर तब जब मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज पढ़े थे और पॉजिटिव रिव्यूज पढ़े थे, तो मैंने कहा कि मैं ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहा था। अब उसमें ये हुआ था कि मेरी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट बनती थी, एक्चुअली वो बनती थी अगस्त वाली, तो मेरी सर से बात हुई थी इस बारे में, तो सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो आप ये वाली अटेम्प्ट बेशक जो है वो ना दें। तो मैंने क्या किया, मैंने अगस्त वाली अटेम्प्ट स्किप कर दी थी और मैंने फिर नवम्बर वाली अटेम्प्ट के लिए भरपूर तैयारी की थी। अब जो सर इसमें सर मैंने गाइड भी करना है कि किस तरह मैंने पढ़ा, किस तरह था सारा चीज, किस तरह की थी। जी आपने अपनी स्टोरी, हाँ आपने बताना है कि आपने किस तरह बेहतर है और आपने किस तरह तैयारी की और आप क्या सजेस्ट करते हो। जी सर, सर इस तरह है कि अच्छा ये सर के जो लेक्चर्स हैं वो, मतलब ये सबसे अच्छी बात है कि कम्प्लीट है, और मैं ये करता था पर्सनली जो मुझे सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन लगा था वो ये होता था कि जब भी मैं कोई भी यूनिट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किया है, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगा मैंने जनरल सर्जरी एंड अलाइड में पेपर दिया है, और ये ऐसी कोई बात नहीं होती कि जो लोग कहते हैं ना कि ये जनरल सर्जरी में पेपर देना है तो इसमें एनाटॉमी का पोर्शन ज्यादा आएगा, या इसमें गायनी में देना है तो इसमें पेल्विस प्रीनियम ज्यादा आएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। पेपर बहुत जनरल होता है और 90% जो आपका पेपर होता है वो आपकी फर्स्ट एड से, मैं गारंटी देके कह रहा हूँ कि वो आपका कवर हो जाता है 90%। ये सर 80% कहते थे लेकिन मैं कहता हूँ 90% हो जाता है। जबरदस्त। तो सर ये है कि आप, तो ये है कि मैं कहता हूँ कि फर्स्ट एड अगर आपने अच्छी घोल के अगर आपने पीओ होना विद ईच एंड एवरी डायग्राम, हर चीज के आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों, तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आता है कि फर्स्ट एड का जो सबसे बड़ा मसला आता है ना वो ये है कि अगर आप रैंडमली फर्स्ट एड आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि एग्जैक्टली उसने फर्स्ट एड की लाइन में क्या स्टोरी क्या लिखी है। तो उसके अब मैंने जो फेसबुक पे भी पोस्ट किया, उसके दो मेथोडोलॉजीज हो सकती है मेरी नज़र में जो आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, फर्स्ट एड को समझने के लिए आप कर सकते हो। एक जो कॉमनली यूज होती है बोर्ड्स एंड बियॉन्ड के लेक्चर। अब ये प्रॉब्लम आई थी कि जब मैंने बोर्ड्स एंड बियॉन्ड सर के लेक्चर से पहले मैंने बोर्ड्स एंड बियॉन्ड के लेक्चर सुने थे, तो उसमें ये था कि एक तो कम्युनिकेशन बैरियर काफी ज्यादा था, और दूसरी बात ये कि उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि वो फर्स्ट एड से बहुत ज्यादा डिविएट कर जाता था, मतलब वो ऐसी चीजें भी बता देता था कि जो जिनका कोई सर पैर नहीं होता था, मतलब जो कोई सेंस नहीं बना रही होती थी।
फिर जब सर की मैंने लेक्चर स्टार्ट किए सुनना, तो उसमें ये होता था कि सर की जो सबसे खास बात होती थी, वो जिस तरह 2 क्लास के बच्चे को आप पढ़ा रहे होते ना, एक एक लाइन का मतलब एक्सप्लेन करके कि इस लाइन में फर्स्ट एड वाले ने ये लिखा है, इस लाइन में ये लिखा है, सर उस तरह पढ़ाते हैं, और वो सबसे अच्छी बात होती है, मतलब उससे सबसे ज्यादा अच्छे आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो सर जब मैं अपना आपके लेक्चर से अपना एक यूनिट कंप्लीट कर लेता था, फिर सर मैं ये करता था कि जो आपने एडिशनल चीजें आपने लेक्चर्स में बताई होती थी, जो फर्स्ट एड में नहीं लिखी होती थी, वो मैं अपनी पूरी फर्स्ट एड में एनोटेट कर लेता था। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि जब ये बच्चे आपका रीनल का लेक्चर सुनेंगे, तो उसमें एक बड़ी सी डायग्राम बनी हुई है, वो 4 हिस्सों में जो डिवाइडेड है रीनल सिस्टम की, आप उसमें फर्स्ट एड कोई लाइन नहीं लिखी हुई। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सर के जो सारी चीजें सर ने बोली थी ना, वो मैंने अपनी फर्स्ट एड पे छोटी छोटी करके लिख ली थी कि इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज है। अब उससे एडवांटेज क्या होता है कि जब मैं उसको रिवाइज करता हूँ तो वो जल्दी से गो थ्रू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, जब मेरा एक यूनिट कंप्लीट होता था, तो मैं क्या करता था कि उसके जो रफीउल्ला बुक है ना, उसके मैं पॉइंट्स, जो टॉपिकल उसकी क्लासिफिकेशन हुई होती थी ना, वो मैं पॉइंट्स रीड करता था। उससे ये होता था कि जो फर्स्ट एड में जो चीजें मिसिंग होती थी, वो मैं अपनी फर्स्ट एड पे लिख लेता था, और फिर इससे ये होता था कि हमारी मेरा जो है वो एक यूनिट कंप्लीट हो जाता था। अब जब यूनिट कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 4 to 5 days लग जाते थे, 2 दिन जो एडिशनल लगते थे वो लगते थे एक यूनिट की एनाटमी करने में, वो मैं करता था फ्रॉम शॉर्ट स्नेल। तो जब ये 6 दिन लग जाते थे ना मुझे, तो मेरे 6 दिन में, मतलब आप ये समझ लें कि मेरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो उसकी एम्ब्रियोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी पैथोलॉजी, उसकी फार्माकोलॉजी, एवरीथिंग उसकी एनाटॉमी, एवरीथिंग, मेरी ईच एंड एवरीथिंग मेरी कवर हो जाती थी, कोई चीज रहती नहीं थी। फिर मैं नेक्स्ट यूनिट पर जंप कर देता था, मतलब रेस्पिरेटरी स्टार्ट कर लिया, फिर मैंने इस तरह रीनल कर लिया, इस तरह करके तो मैं ये करता रहा। और फिर सर जब सबसे जो जरूरी चीज थी वो ये थी कि एंड पे सर ने कहा था कि आप वो SK वाले पेपर्स करने, तो वो मैंने गोल्डन फाइल 12 और 11, क्योंकि हमारे टाइम पे आई हुई थी, तो वो मैं करता था। अच्छा सर, इसमें भी एक छोटी सी जो गेम में करता था MCQ करते हुए, क्योंकि उस टाइम तक एंड तक मेरे कॉन्सेप्ट जो थे वो इतने अच्छे बन गए थे कि मैं जब भी कोई भी स्टेटमेंट पढ़ता था ना, तो सबसे पहले मैं उसकी जो सारी ऑप्शंस होती थी ना, उसको मैं हाइड कर लेता था, और मैं क्वेश्चन से ये समझने की कोशिश करता था स्टेटमेंट से कि उसने क्वेश्चन में पूछने की क्या कोशिश की है। मतलब एग्जाम्पलरी तौर पर अगर, तो एक क्वेश्चन में उसने सिनेरियो दिया है कि एक फीमेल आई है, उसकी हाथ में नमनस है, और उसने CP की रिपोर्ट साथ में दे दी है, तो फौरन से मेरे जहन में ये चीज आ जाती थी, भाई इसने कुछ ना कुछ कोई अनीमिया की बात की है, ये मेंशन करती है, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और इसी तरह ही हर क्वेश्चन को मैं इस तरह करता था कि फॉर एग्जांपल अगर उसने रिस्ट ड्रॉप का पूछा है कि कौन सी नर्व की वजह से होता, तो मैं अपने जहन में ये चला रहा था कि फुट ड्रॉप कौन सी नर्व की वजह से होता है, ये चीज किस नर्व की वजह से होती है, वो मेरे ज़ेहन में ऑटोमेटिकली चीजें चल रही होती थी, मैं उसको वो करता था। मतलब ये एक MCQ में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता था, लेकिन उससे ये होता था कि मेरे 5-6 MCQs और तैयार हो जाते थे। तो ये सर मैंने तो ये किया है, मतलब मुझे तो यही सबसे ज्यादा सूटेबल लगा था, तो मेरा पेपर पास हो गया सर। यही थी सर मेरी सक्सेस माशाल्लाह, स्टोरी। मैं आपकी जो आपका एक्सपीरियंस भी रीड किया था, और मुझे जी सर। जो अच्छे एक्सपीरियंस थे उनमें से आपका एक्सपीरियंस था। तो बात यह है कि डॉक्टर हमजा निसार ने सर्जरी एंड अलाइड में दिया है, और उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि वो पहले फर्स्ट एड से वो सिस्टम करते थे, और फर्स्ट एड से सिस्टम करने के बाद रफ़ी के पॉइंट करते थे, और रफ़ी के पॉइंट के बाद एंड पे उन्होंने SK12 की। और वो कह रहे हैं कि जब भी वो कोई सिस्टम करते थे, क्योंकि इनका सर्जरी अलाइड में है, तो सर्जरी वाले स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट स्नेल होती है, तो वो कह रहे हैं कि जब जो सिस्टम मैं फर्स्ट एड से करता था, उसकी जो एनाटॉमी है वो शॉर्ट स्नेल से कर लेता था, और उसके बाद रफी के पॉइंट करता था, और एंड पे उन्होंने और उन्होंने SK12, 11 और 12 की, और इन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। ये कोई छोटा टास्क नहीं होता है, अगर आपको कंसेप्ट दे भी दिए जाएं फिर भी बहुत मेहनत है, फिर भी बहुत सी चीजें हैं, जिस तरह की उन्होंने शॉर्ट स्नेल किया और SK12 रफी के पॉइंट किए हैं, तो इसके लिए बहुत डेडिकेटेड पर्सन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, परसिस्टेंसी चाहिए। एग्जाम मुश्किल नहीं है, जो लोग परसिस्टेंट है उनका एग्जाम पास हो जाएगा, जो लोग परसिस्टेंट नहीं है चाहे बड़े इंटेलिजेंट हैं
वो एग्जाम उनका एग्जाम कर पास करना बहुत मुश्किल है। तो माशाल्लाह डॉक्टर हमदानी सर, जजाक अल्लाह, थैंक यू थैंक यू सो आपने मच अपना सर टाइम दिया। आपके लिए। सर मैं अभी भी बहुत सारी दुआएं करता हूँ, यकीन करें आज भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा ये डिस्कस कर रहा था कि सर की वजह से पास हो गया। सर मैं तो सोली आपको क्रेडिट देता हूँ, मैंने आपके लेक्चर से बहुत सीखा है सर, सच्ची जोन सी बात है, और मेरे वो कॉन्सेप्ट सही हुए हैं जो मतलब मुझे आज तक नहीं कभी समझ आए थे, तो मैं तो बहुत रिगार्ड करता हूँ सर आपका, सच्ची बात है। बाकियों का तो सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सर अपना आपका बहुत रिगार्ड करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर हमजा नासिर, हमजा निसार, जजाक। Be sure to keep the ground in sight.